हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर वेव्स। और यहाँ पे हम क्लास 11th और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपने चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और समझते हैं पहले जो जनरल टर्म्स होंगे उनको हम समझेंगे, उसके बाद जनरल इक्वेशन की तरफ चलेंगे, आगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स की तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो अपना यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना के रखा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो एक्सेस आपका दिया हुआ है, अभी मैंने इसको एक्स वाई एक्सेस में नहीं डिवाइड किया है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये आपकी वाई एक्सेस है एंड ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, जो हमारी वाई एक्सेस जो यहाँ पे नोशन कर रही है वो क्या कर रही है कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो हमारी पार्टिकल यहाँ पे मीन पोजिशन पे था अपने मानते हैं, तो फिर ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ऊपर करता चला गया और फिर वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। ठीक है, अब आपको ये पता चल रहा है कि एट दिस लेवल, ठीक है, ये लेवल आप देख रहे हैं इतना ऊपर, इतनी ऊपर जिस इस पार्टिकल ने जब डिस्प्लेस किया, सो ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिख रही है। ठीक है, इससे ऊपर तो कहीं भी इसने डिस्प्लेस किया नहीं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं, इससे सारी डिस्प्लेसमेंट तो आपको किसी भी यहाँ पे ग्राफ में आपको दिख नहीं रही है, जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में आप देख रहे हैं चीज़ों को, तो इससे ऊंची यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल की जो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है। सो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इसका हमने एक नाम दिया रखा है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये हमारी चीज़ हो गई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस करता है अपने अपने मीन पोजीशन से एट ए टाइम वाइब्रेशन के समय, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एम्पलीट्यूड होती है। आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को समझते हैं। टाइम पीरियड बेसिकली ऐसी चीज़ है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से उठा, ठीक है, वो ऊपर आया एंड फिर वो डाउन होते हुए जब फिर अपने मेन पोजीशन पहुंचा, वो जो इतना टाइम पीरियड होता है, वन ऑसिलेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसने मेन पोजीशन से अपने डायरेक्शन ऊपर 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 गया, फिर ये नीचे आया, फिर नीचे 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 इतनी पोजीशन लेते लेते फिर यहाँ पे एज ए टाइम ये अपनी फिर मेन पोजीशन पे पहुंच गया। यहाँ पे आपको दिखा पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे पहुंच गया। एक बार फिर से मैं बता दूं, पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये तो हमारा डायरेक्शन है जो अनदर पार्टिकल अपने मूव करते रहते हैं। तो जो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से उठ के एक ऑसिलेट पूरा करता है, एक ऑसिलेशन पूरा करता है, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आता है, तो एक टाइम में कितने टाइम में, ठीक है, टाइम पीरियड जो हमारा होता है वो होता है वन ऑसिलेशन टाइम। ठीक है, जितना टाइम उसको लगा एक वन ऑसिलेट अपना पूरा करने में, जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो आपकी यहाँ पे ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट हुआ है अपने मीन पोजीशन से उठ के फिर वो अपने मीन पोजीशन पे आता है, तो वो जो टाइम उसका लग रहा है वो टाइम पीरियड उसको डिनोट करते हैं, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और टॉपिक आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जनरली ये होता है आपके पास कि कितना ऑसिलेशन वो एक सेकंड में पूरा कर रहा हो। यहाँ पे आपको पता नहीं कितना टाइम लगा होगा उसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में, लेकिन जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, वन सेकेंड ऑसिलेशन नंबर। इसको मैं डिफिनेशन नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझने की चीज़ है ये सब, कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेट यहाँ पे जो हमारा वेव है, जो हमारा पार्टिकल है, जिस मीडियम ने जितना ऑसिलेशन किया होगा एक सेकंड में, वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ये हम एन से डिनोट करते हैं। अब फेज आ जाते हैं, फेज क्या होती है, फेज जनरली चीज़ें होती हैं कि आप किसी भी एज ए इंस्टेंट आप किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन अगर डिनोट कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना, यहाँ पे पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है और यहाँ पे डाउनवर्ड आपको दिख रहा है, डाउनवर्ड आते 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 आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे आप देखिए तो फिर आपको अपवर्ड जाते हुए दिख रहा है। सो अगर हम कहें कि फेज किसकी सेम है, तो आपको पता चलेगा इस पार्ट पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इन दोनों की फेस सेम है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फेस का मतलब कि आप किस डायरेक्शन में एट ए इंस्टेंट आप देख रहे हैं किसी पार्टिकल को, तो वो आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, सो उसको फेस कहते हैं। यहाँ पे इक्वल फेस किसकी है, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम ए दे दे नाम और इस पॉइंट को बी नाम दे दे, तो ए बी की जो फेज है वो सेम है एट ए टाइम, ठीक है, एट ए इंस्टेंट, सो फेज इसी को कहते हैं। फेज मतलब कि डायरेक्शन, फेज
फेज बेसिकली डायरेक्शन होता है। अब वेवलेंथ पे आ जाएं, वेवलेंथ हमारा टॉपिक है। वेवलेंथ को आप जनरली ऐसे समझिए, वेवलेंथ मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितने डिस्टेंस लगे। वैसे यहाँ पे दिखा कि हमने यहाँ, ये हमारा यहाँ पे मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट मूव हुआ, हल्का हल्का डिस्प्लेस किया, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन ये कितने डिस्टेंस में खत्म, कितना डिस्टेंस उसको लग रहा है एक ऑसिलेट पूरा करने में। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस, ये जल्दी जल्दी देखिए हमारा वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशन शुरू होकर यहाँ खत्म हो जा रहा है, यानी यहाँ इतने में हमारा जो एक्स डिस्टेंस लग रही है वो डिस्टेंस यहाँ पे कम लग रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। सो ऐसी कंडीशन यहाँ पे हमारी वेवलेंथ क्या है, कम है, क्योंकि वेवलेंथ इस वजह से कम है यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारा वन ऑसिलेशन है ये कम डिस्टेंस में हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए वेवलेंथ हमारी बढ़ रही है, क्योंकि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको बहुत डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब आगे चलते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पे, ये आपका यहाँ से आपकी मेन टॉपिक शुरू हो रही है जो आपको पढ़नी है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इससे पहले सभी चीज़ें जो हमने अभी कवर की हैं वो सभी की सभी बेसिक्स थी, उनकी यूज़ आप खाली, आप जब अपर लेवल में आप क्वेश्चंस लगाते हैं उनकी जरूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ती समझने के लिए। इसलिए मैंने अभी आपको पिछले थोड़े समय में आपको अभी यहाँ पे मैंने आपको रिकवर करा दिया, जो रिवाइंड करा दिया, जो एम्पलीट्यूड वगैरह जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनको रिकवर कराया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होती क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बिल्कुल सिंपली आप इस तरीके समझिए कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमें इक्वेशन आपने बनाया, उसके बाद आपसे कहा जाए कि क्या ये इक्वेशन की वेव की इक्वेशन है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अगर देखना पड़े, तो इसलिए हमने एक जनरल इक्वेशन बना के रखी कि अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपका गिवन इक्वेशन तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है। अब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होता है किसका इक्वेशन होता है, ठीक है, वो दरअसल क्या होता है, वो जो पार्टिकल जो होता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दरअसल इसकी बात इतनी सी है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होता है वो दरअसल पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, जो पार्टिकल डिस्प्लेस करता है उसके ही टर्म्स में वो इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, ये हमारी कंडीशन है पहली। अच्छा, अब आगे चलते हैं, जो हमारा वाई होता है, वाई 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 को हम डिनोट करते हैं, जैसे वाई एक्सिस पे जितनी चीज़ें हम रख सकते हैं, वाई पे हम क्या क्या रख सकते हैं, वाई को हम क्या क्या मान सकते हैं, एनी ऑसिलेटिंग बॉडी, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, एनी ऑसिलेटिंग टर्म, या फिर कोई भी चीज़ें जो ऑसिलेट करती हूँ। सो वाई आपके लिए क्या क्या हो सकती हैं, वाई आपके लिए हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि अभी हमने देखा, हम लोग देख रहे हैं वाई क्या हो सकता है, वाई आपका हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वाई आपका हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन सब के जनरेशन से भी तो हमारी वेव्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी इन्हीं के फॉर्मेशन से तो हमारी वेव बनती है, इन्हीं के डिस्टर्बेंस से, तो यानी वो वाई क्या हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो भी मूव करती हो, जो भी चीज़ें आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती हो, उन सभी को हम वाई में डिनोट कर सकते हैं, यानी वाई उनको डिनोशन होती है, उनकी डिनोशन जो है वो वाई से की जाती है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं, सारा खेल यहाँ पे ग्राफ का ही है। यहाँ पे पता है वाई, वाई पे हमें क्या रखना है, ये हमारा वाई है, वाई पे हमें क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट रखना है, जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, दरअसल हम इसी की इक्वेशन निकालते हैं कि पार्टिकल किस किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसका क्या रिलेशन बन रहा है अनदर ऑब्जेक्ट से, अनदर क्या कहते हैं आप किस तरह से समझ सकते हैं इसको, कि अनदर जो हमारे नंबर्स होते हैं, या फिर जिन चीज़ों से हमारा यहाँ पे रिलेशन बने। तो शुरुआत करते हैं, हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अब x एक्सिस पे क्या होगा, वाई पे तो हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट होगा, x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे होगी हमारी डिस्टेंस, x हमारी डिस्टेंस होगी कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो वेव, ठीक है, जो वेव हमारा आगे बढ़ रहा है वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो हमें x फॉर्म, x जो है वो हम डिनोट करेंगे उससे, और डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कि पार्टिकल कितने डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसको हम यहाँ से जनरेट करते करते आगे चलती चली जाएगी, वही हमारी वेव बनती चली जाती है, वो ट्रेवल करती है। अब हम बनाते हैं अपना वेव, ये रहा पार्टिकल हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारी कुछ
सिंपल सा ग्राफ बना हमारा। अब यहाँ पे आपको पता है ये ज़ीरो है, यहाँ पे इसने कोई डिस्प्लेसमेंट की, फिर यहाँ पे अपनी मीन पोजीशन से नीचे आया, इसने डिस्प्लेसमेंट की, इसने डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे वाइट किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ सिंपली, आप समझिए कि वाई जो है मेरा वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, क्या वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये समझते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं, मैं एक सवाल आपसे सीधा सीधा पूछूं कि ये बताइए कि मैं आपसे कहूं कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ज़रा मुझे बताइए आप कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप मुझसे कहेंगे कि यहाँ पे तो हर एक पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपने अपने पोजिशन से, सो यहाँ पे किसकी पोजिशन मैं बताऊँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना कि हर पार्टिकल, जब आप एक बार यहाँ पे वेव की फॉर्मेशन डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं आप, तो हर एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मूव करता है, अपने ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पे तो कई सारे पार्टिकल मूव हो रहे हैं ऊपर नीचे, किसका डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बताऊँ। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर ठीक है, अच्छा आप x इज इक्वल टू 2 मीटर या 2 मीटर पे आप बताइए कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही चल रहा है कि हर पोजीशन पे हर एक ऑब्जेक्ट अपने अपने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट आप बताइए क्या पार्टिकल कहाँ कितने डिस्प्लेसमेंट कर रही है, यहाँ पे आपका आंसर सिंपली यही होने वाला है कि हर एक पार्टिकल सर आपकी मूव कर रही है, हर अपने अपने ऑब्जेक्ट, तो मैं किसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताऊँ। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलिए आप, अच्छा ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 मीटर पे आप बताइए कि क्या वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तब आप कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं उस पोजीशन पे जाके बताऊँगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहाँ पे, कैसे ऑसिलेशन हो रही है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो पहला हमारा टर्म जो हुआ वो x पे डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता होगी तो आप एक समय में, आप एट ए वन टाइम आप ये नहीं बता सकते कि वहाँ पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि हर एक पार्टिकल अपने अपने डिस्प्लेसमेंट अपने अपने पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। सो आप एट ए टाइम आप एक चीज़ का डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते, जब तक आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस डिस्टेंस पे जाके बताइए कि वहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब आपने एक्स पे पहुँच गए, मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे आपने पहुँच गए, अब आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप जब वहाँ पे खड़े हुए तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे तो कभी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल है वो नीचे ऊपर हो रहा है, तो मैं बताऊँ, अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होती जा रही है, पार्टिकल तो ऊपर नीचे हो रहा है, अभी भी यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे तो रुक ही नहीं रही है चीज़ें, तो फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे बताऊँ कि पार्टिकल कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड कंडीशन आया कि x y किस पे डिपेंड कर रहा है, y यहाँ t पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, अगर ठीक है आपको पता है कि वहाँ पे तो टाइम के हिसाब चेंजिंग से वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कह दूँ कि चलो अच्छा ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आप बताइए कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे किस तरह से, तब आप कहेंगे अच्छा अच्छा तो ठीक है, मैं घड़ी से t इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देखूंगा, तब देखूंगा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचा, वो पार्टिकल कहाँ पहुँचा है, तब आप बता देंगे कि ठीक है सर ऑब्जेक्ट वहाँ पहुँचा है, और आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे में मेजर कर बता सकता हूँ आपको। अगर ये दोनों चीज़ें आपको ना पता हो तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक पार्टिकल हर एक टाइम पे आपके लिए डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप इन एक्स और टी को कांस्टेंट कर देते हैं, आप एक डिफाइन कर देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर पे या फिर टाइम इज इक्वल टू इतने सेकंड पे, अब तब आप बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, सो आप बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हाँ इतनी हो रही है, पार्टिकल इतने समय पे और इतने डिस्टेंस पे ऐसे मतलब डिस्प्लेसमेंट इतनी हो रही है। सो यहाँ पे हमें पता क्या चला कि वाई जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स एंड टी का, वाई जो है एक्स और टी पे डिपेंड है, इन दोनों ही चीज़ों को अगर हमें ना पता चले तो हम ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल हमारी कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रही है। सो वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ये हमारा पहला एक इक्वेशन निकल के आ गया, वाई जो है हमारा एक्स एंड टी का फंक्शन है। और इस इक्वेशन को देख के आपको पता चल रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर एक्स एंड टी के फॉर्म में होगा तो वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होगा, लेकिन क्या हर एक इक्वेशन, भाई हमारे तो कई सारे इक्वेशन हम बना सकते हैं, जैसे 3x + t, 3x + t² या फिर 3² + t, ऐसे कई सारे इक्वेशन बनेंगे, तो क्या सभी के सभी नहीं, इसके बावजूद कंडीशंस अप्लाई होती हैं, वो कंडीशंस क्या है उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे आगे आपकी दो कंडीशन आई, d²y/dt² = kd²/dx², यानी सिंपली हमारी ये कंडीशन निकल गई कि हर एक इक्वेशन को अगर कोई इक्वेशन मान लेते हैं कि 2x + 3t के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ और 3t², इनका हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पहले हम t के टर्म्स में उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो t का टर्म है x को कांस्टेंट मान के, और एक बार t को कांस्टेंट मान के x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे,
और फिर हम ये देखेंगे कुछ इस तरीके का इक्वेशन हमारा बन के आ रहा है कि नहीं, दोनों के जो सोल्यूशन निकल गया डबल डिफरेंशिएशन का, क्या उसका कोई ऐसा रिलेशन निकल के आ रहा है कि k कांस्टेंट आ जाए और फिर ऐसा कोई रिलेशन यहाँ बन के आ जाए, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, ऐसा कोई रिलेशन अगर बन रहा है. सो हमारा जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है. और दूसरी कंडीशन, जो y इज डिफाइंड होना चाहिए ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, ऐसा नहीं है कि x और t की कोई अगर एक वैल्यू मान लेते हैं हम जीरो रखने पे y डिफाइंड ना हो पा रहा हो, या फिर t की वैल्यू जीरो रखने पे y डिफाइंड ना हो पा रहा हो, ऐसी कोई कंडीशन अगर वहां पे लगती है तो वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है. ये दो कंडीशन है. आगे अपने क्वेश्चन को मैं लिखूं, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, आपको पता चले कि किस तरीके का रिलेशन बनता है या नहीं. एक क्वेश्चन जनरल सा है मेरा और ये होमवर्क है आपके लिए, मैं अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा कि क्या इसका आंसर होने वाला. अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा. आप ऐसी कंडीशन मुझे बताइए, कोई ऐसी केस बताइए जहाँ पे जो वाई हो, ठीक है, जो वाई हो हमारा वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड करे, यानी वहाँ पे टाइम ना मैटर करे. आप कोई ऐसी सिचुएशन बताइए. ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल व्हेन वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी टी पे इंडिपेंडेंट हो, टी को पे वो डिपेंड ना करे बट ओनली एक्स पे डिपेंड करे, यानी ओनली ऑफ ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स. ऐसी कोई केस आप चाहे एग्जाम्पल हो, आपको पता हो, आप कुछ भी, ये आपके लिए होमवर्क है. आप ये मुझे बताइएगा कि आप ऐसी कंडीशन कहाँ पे आप देखते हैं. ठीक है, और आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ये हमारा पहला इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो ये जो इक्वेशन है इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज देखते हैं, आप SHM में आपको दिखेगा ये उसका इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी. अब आपसे ये पूछता हूँ मैं कि क्या ये वेव की इक्वेशन है. अब हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. जो इक्वेशन हमने अभी बनाया था डबल डिफरेंशिएशन करके, क्या उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. इसके लिए हमें पहले y को डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, यानी dy/dt. इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन निकल के आएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. क्यों होगा ऐसा, इसलिए होगा क्योंकि ओमेगा हमें पता है कांस्टेंट है, टी को हमें डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, ये हमारा ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और कॉस ओमेगा टी क्योंकि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस ओमेगा टी होता है. ओमेगा बाहर है यहाँ पे, ए भी बाहर है. जब हमारा दूसरा डबल डिफरेंशिएशन इसको करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जब करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा अपॉन ए साइन ओमेगा टी. ये क्यों होने वाला है, क्योंकि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन ओमेगा टी होता, माइनस साइन होता है ओमेगा टी, ओमेगा फिर से बाहर है आपके अनुसार, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ओमेगा आपका पहले से यहाँ पे गिवन था, तो ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ये हमारा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया. अब हम क्या करते हैं, अब हमको डी एक्स की भी डी वाई अपॉन डी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है. सो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालें तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या एक्स का कोई टर्म है, यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं है. आपको यहाँ पे गिवन दिख रहा है कि एक्स का कोई टर्म नहीं है. अगर यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं है तो आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो आपके टी को, टी के पूरे टर्म को आपको मानना पड़ेगा कांस्टेंट. तो आपको पता है कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, यहाँ पे जीरो. तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर भी आपका जीरो हो जाएगा, यानी जीरो जीरो आ जाएगा. सो क्या यहाँ पे ऐसी क्वेश्चन फॉलो हो रही, क्या ऐसा हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमारी जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कुछ इस तरह से आई है, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन इसको किए हैं तो यहाँ पे जीरो आ रहा है कुछ, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हमें नहीं मिल रहा, और ये रिलेशन यहाँ पे कुछ निकल भी नहीं रहा है कि दोनों वैल्यू इक्वल हो और उसका कोई कांस्टेंट इसका कोई रिलेशन बने. यानी ये इक्वेशन जो हमारी है वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है. इससे एक चीज़ पता चल रही है कि हर एक SHM, हर एक पार्टिकल जो SHM करता हो वो वेव जनरेट नहीं करता है, वहाँ पे जो वेव होती है वो जनरेशन नहीं होती है. ओके, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा. वहाँ पे हम इक्वेशन एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं. अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. इसका हम इक्वेशन अगर निकालें डी वाई अपॉन डी टी अगर इसका निकालते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आपको मिलने वाला है क्योंकि साइन का कॉस हो जाएगा, और क्योंकि फिर ये ओमेगा बाहर आया आपका क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पे. जब डी स्क्वायर वाई बाई अपॉन डी टी स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे इसके आगे,
यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे क्यों नहीं मैंने के को निकाला आपको पता चला, क्योंकि क्योंकि हम के एक्स को कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि हम टी के डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब अगला हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर करें यहाँ पे, तो हमें क्या मिलने वाला है, पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लें, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमको टी वाले जो टर्म है उसको कांस्टेंट मानना है, तो हमारा जो इक्वेशन निकल गया वो के माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हमारा यहाँ पे निकल आएगा। फिर आगे जब हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स करेंगे, हमारा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। जब हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट को डिवीजन अगर करें तो हमारे पास क्या चीज़ें निकल के आएंगी, तो हमारे लिए जो चीज़ें निकल के आएंगी वो ये आएंगी। अगर आप डिवीजन नहीं भी करते हो तो भी आप अगर इक्वेशन को लिखो, जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर के सॉरी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आई थी हमारी वैल्यू। इक्वल क्या आई थी, इक्वल जो हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वो क्या आई है, के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम अगर इधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे ये चीज़ हमें दिख रही है साफ साफ। अब हमें क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, माइनस के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता है ये कांस्टेंट है। और देखिए यहाँ पे सेम इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ रही है और ये कांस्टेंट का रिलेशन में पता चल रहा है, यानी ये जो इक्वेशन थी हमारी ये वेव इक्वेशन थी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ईजी वे देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हर एक इक्वेशन को हमें पता करना होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक इक्वेशन छोटा सा कुछ हम फॉर्म करते हैं उससे पता करते हैं, यहाँ पे छोटा सा हमने उसको ट्रिक निकाला यहाँ पे, हमें ये क्या किया, क्योंकि हमें जो इतना बड़ा इक्वेशन जो था वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं, जब मैथ पढ़ते हैं सोल्यूशन जब उसका किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकलता है तो वो क्या निकलेगा, यहाँ पे जब उसका इक्वेशन हमने निकाला तो हमें ये पता चला वाई इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी टी। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन होती है हमारी, कोई फंक्शन ax प्लस bt के फॉर्म में होता है तो वो एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है, यानी क्योंकि अब हमें अगर ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे, अगर हमें इस फॉर्म में कोई भी हमें इक्वेशन मिलेगा तो वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होने वाला है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। लेकिन एक जो और कंडीशन लग जाएगी कि यहाँ पे जो a और b है वो एक इंटीजर कांस्टेंट आप कह सकते हैं, वो कोई भी अंदर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन जुड़ेगी कि वही वाली कंडीशन कि y इज डिफाइंड होना चाहिए, y डिफाइंड होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t के हर वैल्यू पे y डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें फॉलो होंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री टी, ठीक है ये क्वेश्चन है। अब आपको अगर पता चला, देखिए यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देखिए तो ये a b यहाँ पे 2a का काम कर रहा है, 3b का काम कर रहा है, 2x plus 3t यानी x plus bt के फॉर्म में तो फंक्शन है यहाँ पे। लेकिन अगर हम 2x plus 3t is equal to 0 कर दें, ठीक है, इनकी अगर कोई किसी भी तरीके से इनकी जो वैल्यू जीरो आ जाए वो आ भी सकती है, तो क्या y डिफाइंड होगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 हो जाएगा, y इज अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी y इज नॉट डिफाइंड। तो यानी ऐसी जो ये जो इक्वेशन है ये नॉट ए वेव, ये वेव की इक्वेशन नहीं है। इस तरीके से भी आपको चीज़ों को समझना होगा, आपको देखना होगा कि y क्या डिफाइन कर रहा है x और t की हर वैल्यू पे। अगर वो डिफाइन कर रहा है और इस फॉर्म में कोई फंक्शन हो x प्लस बी टी के फॉर्म में, 2x प्लस 3t के फॉर्म में, तो वो फंक्शन वेव है। अगर नहीं डिफाइन कर पा रहा है तो वो वेव नहीं है। आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब आगे बढ़ते हैं वेव स्पीड को समझते हैं, वेव स्पीड क्या होता है। ठीक है, वेव स्पीड ऐसी चीज है कि जितनी डिस्टेंस कोई भी पार्टिकल कवर करे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन सेकेंड, वो हमारी वेव स्पीड होती है। उसको हम डिनोट किससे करते हैं, वी।
v से हम डिनोट करते हैं, ये हमारी वेव स्पीड होती है। वेव स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ t अपॉन कोफिशियंट ऑफ x, जैसे ax प्लस bt के फॉर्म में जो इक्वेशन हमारी रहती थी ax प्लस bt के फॉर्म में, वो यानी यहाँ हमारा जो t का जो कोफिशियंट है b और जो x का कोफिशियंट है a, यानी हम लिख सकते हैं इसको b अपॉन a, यानी b अपॉन a का जो हमारा रिलेशन होगा, जो रेशियो होगा, वही वेव स्पीड होगा। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर ax प्लस bt इस इक्वेशन में कोई इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन हमारी गिवन हो, तो जो डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है, वो होती है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यानी जो हमारी जो दोनों जो एक्स और टी की जो हमेशा हमारी जो वैल्यू होती है वो सेम हो, क्योंकि ये भी प्लस ए एक्स है और ये भी प्लस बी टी है। अगर सेम हो, अगर मान लेते हैं माइनस ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स माइनस बी टी होती, तो भी हम अगर माइनस कॉमन लेते तो अंदर एक्स प्लस बी टी आ गया होता। तो अगर सेम साइन होती है ए एक्स प्लस और बी टी की, तो वो जो हम जो डिनोशन करती है वो ये डिनोट करती है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव है, जो डायरेक्शन हो रही है, जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर साइन में चेंज हो ए एक्स माइनस बी टी के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हो, तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ये छोटी सी चीज़ थी, इसको आपको याद रखना होगा। अगर एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में हो, यानी सेम साइन हो, तो वो जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ती है हमारी वेव्स, और अगर एक्स माइनस बी टी के फॉर्म में हो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ती है। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वाई इज इक्वल टू टेन फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स फाइव प्लस एक्स प्लस थ्री टू टी का होल स्क्वायर। ये हमारी वेव इक्वेशन है, और इसमें हमने पूछा क्या है हमसे कि वेव स्पीड हमें फाइंड करना और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड फाइंड करने का मतलब वाई मैक्स फाइंड करना है, यानी वाई मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो चलते हैं, हम वेव स्पीड फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो टी का कोफिशियंट होता है अपॉन जो एक्स का कोफिशियंट होता है, वही हमारी जो उसका रेशियो होता है वो हमारा वेव स्पीड होता है। वेव स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, पहले हम वेव स्पीड निकालते हैं। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे बी यानी बी की वैल्यू टू है, एंड ए की वैल्यू क्या है वन है, टू अपॉन वन विच इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड। ये हमारी निकल आई वेव स्पीड। अब हमें वाई मैक्स निकालना है, वाई मैक्स क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वही एम्पलीट्यूड होती है। अब y मैक्स कैसे निकलेगा, y मैक्स अगर हमें निकालना हो ठीक, और ये हमारी कुछ इस तरीके की क्वेश्चन हो, यही तो हमारी क्वेश्चन है। अब कुछ इस तरह से हम कर दें कि ये वैल्यू अगर जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चेंज आएगी, क्योंकि हम पता है नीचे जितनी वैल्यू कम होगी उतनी हमारी जो y की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। सो हम अगर देखें x प्लस टू टी का की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें, एक्स प्लस टू टी की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें, तो ये सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि निगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे कोई भी वैल्यू अगर रखते होंगे तो कहीं ना कहीं वो इसमें फर्क डालेगी ऊपर। अगर हम इसको जीरो ही कर दें तो यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो हमारी जो वाई की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम जीरो रख दें तो क्या होने वाला है, टेन फाइव प्लस जीरो यानी टेन अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन की बात थी कि दो मीटर दोनों आ गया, वी की जो वैल्यू वो भी टू मीटर पर सेकंड आ गई, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी वो भी टू मीटर आई। ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से था कि दोनों चीज़ें सेम आ गई। ये हमारा एक क्वेश्चन था सिंपल सा, इसको हम समझेंगे और अगले टॉपिक पे चलेंगे। स्पीड ऑफ वेव, हम स्पीड ऑफ वेव पढ़ेंगे। ये वेव स्पीड और स्पीड ऑफ वेव में बहुत बड़ा फर्क होता है, वो हम समझेंगे आगे। वेव स्पीड सिंपली स्पीड होती है, हमने बताया कि जो जितनी डिस्टेंस वो एक सेकंड में कवर कर रही है, सिर्फ उतने का मतलब वही उतने का मतलब हमें होता है, वेव स्पीड से मतलब होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्पीड ऑफ वेव, कितने चीज़ों पे स्पीड जो होती है वेव की वो डिपेंड करती है, आगे के लेक्चर में होगा, लेक्चर नंबर फोर में आई थिंक, और लेक्चर नंबर थ्री में आज इतना ही। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एनडीए पोर्टल को देखते रहिए। तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।